भारत विकास परिषद विवेक शाखा ने हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मनिहार द्वारा सभी महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहनाई गई। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण के रूप में अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं ने कैटवॉक करके जलवे बिखेरे। संस्थापिका दीपा गर्ग ने पुरस्कार देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। भारत विकास परिषद विवेक शाखा ने धूमधाम से तीज महोत्सव मनाया। इस दौरान विवेक शाखा की संरक्षिका दीपा गर्ग ने तीज महोत्सव का शुभारंभ शाखा की महिला सदस्याओं के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। वहां मौजूद कपल्स ने रैंप पर कैटवॉक करके जलवा बिखेर दिया। इस अवसर पर नटखट श्री कृष्ण सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जूनियर एवं सीनियर वर्ग में कृष्ण बाल रूप सज कर आए। विकास परिषद विवेक शाखा की संस्थापिका दीपा गर्ग ने कहा कि महिलाओं के लिए हरियाली तीज एक पावन पर्व है। कार्यक्रम में ब्रज की संस्कृति पर आधारित बालकृष्ण लीला का मनमोहक मंचन किया गया। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो जन्माष्टमी और तीज से रिलेटेड है, और सभी लोग हमने फैशन कैटवॉक रखा है सावन बनवामन जोड़ी के नाम से, और बच्चों में बाल कृष्ण सज्जा प्रतियोगिता कराई गई है, और महिलाओं के लिए फलाहारी व्यंजन और मुकुट सजाओ और बांसुरी सजाओ प्रतियोगिताएं हमने रखी है। सभी लोग कार्यक्रम का बहुत आनंद ले रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे मेंबर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी फलाहारी व्यंजन प्रतियोगिता एवं मुकुट बांसुरी सजाओ प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। ममता गोयल ने कहा कि ब्रज की संस्कृति पर आधारित बालकृष्ण लीला बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। तीज महोत्सव एक ऐसा पावन पर्व है जिसका महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज भारत विकास परिषद विवेक शाखा परिवार का हरियाली तीज कार्यक्रम है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत महत्व है, क्योंकि हरियाली तीज जब नाम आता है ना, तभी महिलाओं के मन में एक उत्साह जागृत हो जाता है, झूले मायका सब याद आने लग जाता है। तो हमने आज हरियाली तीज का कार्यक्रम रखा, जिसमें महिलाओं ने सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। साथ में हमने बच्चों के लिए अपनी संस्कृति के में, जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है तो उसके ऊपर कृष्ण सज्जा का प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें बच्चों के दो वर्ग में कराए हैं। बच्चे बहुत ही खूबसूरत बाल कृष्ण का रूप लेके आए थे, बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। बच्चों ने साथ में कृष्ण लीला का मंचन भी किया, जो कि वाकई अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। संस्था के सचिव जयेश अग्रवाल ने कहा कि भारत विकास परिषद विवेक शाखा के कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और ब्रज संस्कृति पर आधारित रहते हैं। बच्चों को भारतीय संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए विवेक शाखा बालकृष्ण लीला और बांसुरी सजाओ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। आज हमारी विवेक शाखा ने हरियाली तीज उत्सव का कार्यक्रम किया है, जिसमें कि बच्चों ने मनमोहक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। सारे बच्चे कृष्ण के रूप में बनके आए थे और बहुत सुंदर बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके महिलाओं का भी कैटवॉक का कार्यक्रम रहा, जिसके अंदर महिलाएं और साथ में पुरुषों ने कैटवॉक किया और बहुत उत्तम तरीके से किया, जिसको कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे प्रोग्राम को पूरा हुआ। भारत विकास परिषद विवेक शाखा के अध्यक्ष अंचित गोयल ने कहा कि विवेक शाखा की मंशा यही रहती है कि शाखा के सदस्यों को पारिवारिक माहौल मिले। कमला नगर में एक प्रोग्राम हरियाली तीज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो बच्चे थे उन्होंने नटखट बाल गोपाल के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। हमारी शाखा ने इनको तीन वर्ग में बांटा और उसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और हमारा लेडीज वर्ग था उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हरियाली तीज
प्रोग्राम कराया है, जिसमें श्री कृष्ण का रूप लेके बांसुरी नए छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में लग रहे थे, और हमारी महिला कपल कैटवॉक करा था। अब कैटवॉक करने के बाद उन्होंने डांस कपल डांस कर रहे हैं। और हरियाली तीज एक ऐसा प्रोग्राम है, एक संस्कृति के हिसाब से महिलाओं के लिए जागरूक होता है। भारत विकास परिषद विवेक शाखा के तीज महोत्सव के दौरान सभी का बच्चों को कान्हा के रूप में देखकर मन प्रसन्न हो गया। छोटे छोटे बच्चे कान्हा के बचपन की याद दिला रहे थे। संस्था की महिला सदस्यों ने अपने पतियों के साथ कैटवॉक करके सभी को रोमांचित कर दिया। सावन मनभावन जोड़ी क्वीन एवं किंग का भी चुनाव किया गया। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हर्ष खटाना और सीमा खटाना की जोड़ी ने। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ डॉक्टर अजय गुप्ता एवं सीमा गुप्ता को। तृतीय स्थान प्राप्त हुआ अनुज गोयल एवं गौरी गोयल को। परफेक्ट कपल का स्थान प्राप्त हुआ आयुष गोयल एवं प्रियंका गोयल को। एक्टिव जोड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत विकास परिषद विवेक शाखा की संस्थापिका दीपा गर्ग ने सभी का आभार जताया। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रज प्रांत संरक्षक विनय सिंघल एवं ब्रज प्रांत मार्गदर्शिका अंजू सिंघल, संरक्षिका दीपा गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष राजेश गोयल, अध्यक्ष अंशित गोयल, सचिव जय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नूतन बंसल, कपिल गर्ग, नितेश बंसल, सुधीर जैन, ममता जैन मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।